उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को मिली हार के बाद पार्टी के भीतर कलह सामने आने लगी है। बताया जा रहा है कि एसपी मुखिया अखिलेश यादव के चाचा और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव पार्टी अध्यक्ष से नाराज हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित होने के बाद सपा के नव निर्वाचित विधायकों की आज बैठक चल रही है। विधायक दल की इस बैठक में शिवपाल यादव को नहीं बुलाया गया है। शिवपाल को इस बैठक के लिए न्योता ही नहीं दिया गया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक शिवपाल यादव ने कहा कि वो दो दिन से इंतजार कर रहे थे, लेकिन उन्हें विधायक दल की बैठक में नहीं बुलाया गया। मैं समाजवादी पार्टी से न सिर्फ MLU हूं, बल्कि पार्टी के सक्रिय सदस्य हूं। शिवपाल ने आगे कहा कि मैंने इस बैठक के लिए अपने सारे प्रोग्राम कैंसिल कर दिए थे। वहीं समाजवादी पार्टी के विधायक दल की बैठक में न बुलाए जाने से नाराज शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि वह जल्द ही अपनी अगली रणनीति का खुलासा करेंगे। गौरतलब है कि समाजवादी पार्टी ने पहले शिवपाल सिंह यादव को चुनाव के दौरान अपने स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल नहीं किया था, लेकिन बाद के चरणों में उन्हें स्टार बनाया था और उसके बाद उन्होंने समाजवादी पार्टी के लिए चुनाव प्रचार किया था। ब्यूरो रिपोर्ट IPN। हम अभी समाजवादी पार्टी का विधायक हूँ और मैं सक्रिय सदस्य बन करके ही चुनाव लड़ा था और आज विधानमंडल दल की मीटिंग चल रही है और मुझे कोई सूचना नहीं, जबकि सभी विधायकों को सूचना दी गई है। तो जब मुझे कोई सूचना नहीं दी गई है तो मैं अभी बस इसलिए मैं बैठक में नहीं गया और अभी हम सीधे यहाँ से जा रहा हूँ इटावा। लेकिन दो दिन से मैं इंतज़ार कर रहा था, नहीं तो मैं अपना चला जाता। मैंने सब अपने कार्यक्रम रद्द करके इस बैठक के लिए यहाँ पर रुका था, लेकिन मुझे तब भी कोई सूचना नहीं दी गई। मैंने समाजवादी पार्टी के नेताओं से भी कोशिश की, लेकिन उन्होंने कहीं पर भी मुझे तब भी कोई सूचना नहीं दी गई। तो इसलिए मेरा जाना विधानमंडल दल की बैठक में उचित नहीं है, जबकि देखिए मैंने तो हमेशा यही कहा कि जो भी मुझे जिम्मेदारी मिलेगी उससे हम निभाएंगे। लेकिन आज हमें विधानमंडल दल की बैठक चल रही है, मुझे बुलाया नहीं गया, इसलिए मैं नहीं गया। मैं तो देखिए समाजवादी पार्टी से विधायक हूँ और अब ये तो सब राष्ट्रीय नेतृत्व तो समझे। अब जब मुझे निमंत्रण नहीं दिया गया, कोई सूचना नहीं दी गई, तो आगे बहुत समय आएंगे, अभी तो मुझे कुछ नहीं कहना है। अभी इस बारे में आगे का कुछ नहीं कहना, अभी तो मुझे अभी कुछ नहीं कहना। कोई बात करेंगे कि नहीं बुलाया गया उसके बारे में, या उधर से कोई अगर मैसेज आता है कि राष्ट्रीय नेता तो अगर बात करेगा तो बिल्कुल हम बात करेंगे। अभी आगे की कोई रणनीति नहीं है, अभी कोई रणनीति नहीं, केवल हम अपने जितने भी हमारे साथी हैं समाजवादी पार्टी में हैं, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी में हैं, जो हमारे साथ रहे हैं, तो उनको हम बैठक बुलाएंगे और लेकिन हम कोई फैसला अभी कुछ भी लेने वाले नहीं हैं।